हेलो, गुड आफ्टरनून एवरी वन. वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल हब. और आज भी हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो डिस्कस करने नहीं वाले हैं, बल्कि जो हमारा एक और सब्जेक्ट है बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस लॉ, उसके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बिकॉज़ बेसिकली जो है वो अप्रैल मंथ चला हुआ है और सभी जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो उनके लिए हम जो भी सब्जेक्टिव हैं वी कॉम में उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उनसे रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं आजकल. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस लॉज, जो है बी कॉम फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं. बिजनेस लॉ बी कॉम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो हमें एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चन आते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, और इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले. सो लेट्स गो. इस वीडियो में मैं मैक्सिमम आपको जो भी 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे वही बताने वाली हूँ, क्योंकि अभी जो भी एग्ज़ाम्स में होते हैं उनमें ज़्यादातर MCQ जो है वो नहीं आते हैं, और 5 नंबर के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं. मैक्सिमम जो है 15 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. मे बी बीच में हो सकता है आपको मैं 2-3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के बता दूं, वो भी आप प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसे टर्म्स में 2 टर्म्स दे दी जाएँ 5-5 मार्क्स की, या फिर 7-7 मार्क्स की, या फिर 4-4 मार्क्स की, जिनका टोटल जो है 14 हो जाए, वो आपको टर्म दी जा सकती हैं कि हाँ आपको ये टर्म दे दी लेकिन उन दोनों टर्म्स के मार्क्स मिला के 14 है, तो वो आपको छोटे छोटे टर्म्स दे जा सकते हैं. तो मैं उन टर्म्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के वो आपको बता दूंगी. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का ही होएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. यहाँ पे मैंने डिफरेंट लिखा हुआ है लेकिन डिफरेंस होएगा, फिर मैंने कट इसलिए नहीं करा कि ताकि आप फिर पजल हो जाओगे, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट की जगह डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है वो आपको डिफाइन करना है. ये क्वेश्चन जो है इसको तोड़ मरोड़ के एक और क्वेश्चन भी होएगा, वो ये ऐसा होएगा कि वो आपको जैसे 4th क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ये जो है ये सेम ही क्वेश्चन है दोनों की, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, की जो सभी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट तो हो सकते हैं बट ऑल जो एग्रीमेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. भाई वो आपको एक्सप्लेन करना है 4th क्वेश्चन में. अभी मैं कहाँ आपको मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रही थी और 4th वाले में पहुँच गई. आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट. ये जो फर्स्ट और 4th क्वेश्चन है इनका आंसर ना सेम ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको ना कंफ्यूज करने के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे कर दिया हुआ है. तो फर्स्ट में आपने डिफरेंस लिखना है कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंज्यूमर एंड एक्सप्लेन. कंज्यूमर क्या है ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है कि कंज्यूमर क्या है, उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और अगर आपको कोई डायग्राम आती है इससे रिलेटेड तो वो भी आपको अपने आंसर में बना देनी है. तो आपका 5 मार्क्स का आंसर जो है वो होएगा. थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर दी एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपका उस चैप्टर से ये क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो आपको बताना है, और एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल कौन कौन से है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. देन फोर्थ क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि फोर्थ और फर्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत रिलेटेड आप एक दूसरे से, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट. ऑल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो एग्रीमेंट हो सकते हैं बट जो एग्रीमेंट हैं सारे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं. क्यों नहीं हो सकते वो आपको इस क्वेश्चन में डिफाइन करना है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन बताया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी टर्म डिफाइन करनी है, ये क्वेश्चन भी फिफ्थ और थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है, बट कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन डाल दिया जा सकता है. आंसर इन दोनों का सेम ही होगा बट आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के डाल दिया जा सकता है. इसके आपको क्लासिफिकेशन और एसेंशियल जो है वो एक ही होंगे, वो आप इसको आप जो है वो इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं. देन सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन ऑफर, व्हाट आर टू रूल्स
ऑफ वैलिड ऑफ़र। डिफाइन ऑफ़र, ऑफ़र क्या है और उसके दो रूल क्या है वो आपको डिफाइन करने हैं। देन सेकंड क्वेश्चन, सेवन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन एक्सेप्टेंस, व्हाट आर दी टू रूल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। ये भी सेम क्वेश्चन है कि एक्सेप्टेंस क्या है, उसके टू वैलिड रूल क्या है वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। देन एट्थ क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्कस राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ वेली। राइट्स और ड्यूटीज़ जो है वेलीज की वो आपको डिफाइन करने हैं। ये एट्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम जो है वो एग्ज़ाम्स में आता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी एग्ज़ाम्स में आता है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन, जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, ये थर्ड फोर्थ एंड एट्थ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न करना ही करना है, टिप टॉप करके जाना ही जाना है। द नाइन्थ क्वेश्चन है आपके पास, डिफाइन एजेंसी, हाउ एन एजेंसी कैन बी क्रिएटेड एंड टर्मिनेटेड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। एजेंसी क्या है वो आपको डिफाइन करनी है, क्रिएट कैसे होती है वो आपको डिफाइन करना है विद एग्जांपल्स, तो आपका 14 मार्क्स का जो है क्वेश्चन वो होएगा। देन टेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, What do you mean by contract of sale? What are its essential element? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं आपको 5-6 क्वेश्चन जो मेन ऐसा बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप 100% पढ़ लेना, क्योंकि वो जो है मैक्सिमम टाइम बहुत बारी जो है एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है वो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है, और उसके एसेंशियल एलिमेंट जो है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। देन 11th क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट ऑफ सेल। सेल क्या है और एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या है, उसमें आपको डिफरेंस लिखना है। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंसी टुवर्ड हिज प्रिंसिपल। एक एजेंसी जो है उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्या है, ये एजेंसीज वाले दोनों क्वेश्चन, जैसे 9th क्वेश्चन था एक एजेंसी वाला और 12th है एजेंसी वाला, ये दोनों क्वेश्चन आपको लर्न कर लेने हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एजेंसी वाले चैप्टर में। तो राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंसी टुवर्ड हिज प्रिंसिपल, ये आपको डिफाइन करना है, ये आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। देन 13 क्वेश्चन है आपके पास, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, What do you understand by performance of a contract? कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है उससे आप क्या समझते हैं, ये आपका ओनली 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 5 मार्क्स का ही मटेरियल जो है वो लिखना है। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेलमेंट, डिस्कस द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट क्या है वो आपको इसमें आंसर करना है, और उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है वो आपको इसमें आंसर करना है। तो जैसे जो कल हमने वीडियो बनाई थी उसमें भी हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे थे इनकम टैक्स के, बट जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से एग्ज़ाम आपको आता है, किस तरीके से आपको जो है अपनी पेपर की प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें जो एक लास्ट स्टेप था, आप जाके वीडियो देख सकते हो एंड तक, उसमें जो लास्ट स्टेप था टिप्स और ट्रिक्स की, हाउ टू प्रिपेयर एग्ज़ाम्स, तो जो लास्ट स्टेप था टिक्स और टिप्स, उस चीज़ को आप इस सब्जेक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। इस सब्जेक्ट का जो भी आपका किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम है, उन टिप्स और ट्रिक्स को हर किसी एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स अगर 50% आने होंगे तो हो सकता है कि 70% आ जाए, अगर आप उन टिप्स को जो है वो फॉलो करते हैं। तो आज की वीडियो हमारी यही होती है ख़त्म, ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉस। देन नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी टुमारो को, तो उसमें हम कोई और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।